पूजा खेडकर का वो सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकेगा जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने तमाम तिकड़में भिड़ाई थी। यूपीएससी तक क्लियर कर लिया था और आईएएस की ट्रेनिंग तक शुरू हो चुकी थी। अब पूजा खेडकर के लिए बेहद बुरी खबर है क्योंकि पूजा के खिलाफ यूपीएससी ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपीएससी के इस एक्शन की वजह से पूजा खेडकर फ्यूचर में भी आईएएस या आईपीएस नहीं बन पाएंगी। हो सकता है कि दूसरी सरकारी नौकरियां पाने में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े और फिर उन्हें दूसरी कोई भी सरकारी नौकरी ना मिल पाए। खैर, इस पर खुलासा तो आगे चलकर होगा, उससे पहले जान लेते हैं कि पूजा खेडकर के लिए क्या बुरी खबर है। दरअसल यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर कड़ा एक्शन लेते हुए उनकी अस्थायी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, यूपीएससी ने आगे होने वाले किसी भी यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने पर बुरी तरह से रोक भी लगा दी है। इसके पीछे की वजह जो यूपीएससी ने बताई है वो अब तक तो सबको मालूम ही है, लेकिन चलिए टेक्निकली यानी नियमों के तहत पूजा पर ऐसा एक्शन क्यों लिया गया वो भी जान लेते हैं। यूपीएससी ने पूजा खेडकर की सभी दस्तावेजों के जांच के आधार पर ये पाया है कि उन्हें सीएससी 2022 नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। हालांकि यूपीएससी ने पहले ही इस एक्शन को लेकर अपने संकेत दे दिए थे। उसके बाद यूपीएससी लगातार पूजा पर शिकंजा कसती चली आई थी, जिसके तहत यूपीएससी ने पूजा को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें ये पूछा भी गया था कि वो बताएं कि आखिर उनकी उम्मीदवारी क्यों नहीं रद्द की जाए। उसके बाद एक और एक्शन लेते हुए यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करने से पहले यूपीएससी ने पिछले 15 साल के डेटा की समीक्षा की थी, जिसमें ये पाया गया कि खेडकर का एक लौता केस था कि ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने कितनी बार यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि पूजा ने हर बार न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता पिता का नाम भी बदला था। ऐसे हालात में अब यूपीएससी ऐसे केसेस को पकड़ने के लिए अपनी एसओपी को और भी मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है। पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करते हुए यूपीएससी ने अपनी सफाई भी दी है। आखिर पूजा इतने गंभीर और कड़ी प्रक्रिया वाले एग्जाम लेने वाली संस्था की आंखों में धूल कैसे झोंक पाई? यूपीएससी ने कहा कि वो केवल प्रमाण पत्रों की शुरुआती जांच करता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या सर्टिफिकेट्स को सही अथॉरिटी ने जारी किया है या नहीं। उसमें सर्टिफिकेट्स की तारीख, नाम, पता वगैरह बेसिक चीजों की जांच की जाती है। साथ ही यूपीएससी ने अपनी मजबूती भी बताई कि हजारों की संख्या में उम्मीदवारों की तरफ से जमा किए गए सर्टिफिकेट्स को जांच करने के लिए उसके पास ना तो अधिकार है और ना ही उसके पास कोई साधन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।